सो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अब हम ये डिस्कस करते हैं कि फैक्टर इंटेंसिटी को किस तरह एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ अ नेशन इज़ यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल एंड वट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन द नेशन इज़ गेटिंग आउट ऑफ दीज टू डिफरेंट कम्बिनेशन तो इसको समझने के लिए हम जाते हैं एक डायग्राम की तरफ अगर आप देखें इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे दो नेशंस का डिस्कस किया हुआ है केस एक है नेशन वन और ये डायग्राम है नेशन टू के लिए दूसरी वाली तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेशन वन को अगर सपोज़ हमने जैसे पहले बात किया कि ये एक लाइन है सपोज़ जो कैपिटल ओवर लेबर रेशो को एक्सप्लेन करती है इन नेशन वन जो के बराबर है एक के दैट मीन्स कि आपके पास अगर नेशन वन ने कोई एक कमोडिटी वाई की प्रोड्यूस करनी है इट रिक्वायर्स टू यूनिट्स ऑफ लेबर एंड टू यूनिट्स ऑफ कैपिटल तो कम्बीनेशन क्या बनेगा दो लेबर और दो कैपिटल चाहिए जिससे क्या होगा कि आपके पास एक वाई का आउटपुट मिल जाएगा और अगर उसने प्रोडक्शन को डबल करना है सपोज नेशन वन वांट टू प्रोड्यूस टू यूनिट ऑफ वाई, देन उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी आपकी लेबर भी और कैपिटल भी अब ये कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी वो आपको डबल करनी पड़ेगी जैसा कि हम लोगों ने एजम्शंस के अंदर पढ़ा था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कि अगर आप इनपुट्स को जिस परसेंटेज से बढ़ाएंगे उसी परसेंटेज के हिसाब से आपकी आउटपुट भी बढ़ेगी तो अगर सपोज टू से फोर होते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर और टू से फोर यूनिट होते हैं कैपिटल के इट मींस हंड्रेड परसेंट इंक्रीज आ रहा है दोनों लेबर इनपुट्स में और कैपिटल इनपुट में तो जो आउटपुट बढ़ेगी वो भी हंड्रेड परसेंट बढ़ेगी दैट इज़ फ्रॉम वन वाई टू टू वाई इसी तरीके से अगर आप कैपिटल ओवर लेबर रेशो देखते हैं इन एक्स नेशन वन के लिए दैट इज़ वन बाय फोर यानी कि एक यूनिट कैपिटल का यूज़ हो रहा है और फोर यूनिट लेबर के यूज़ हो रहे हैं और अगर नेशन वन जो है वो चाहती है कि अपनी प्रोडक्शन को डबल कर ले तो वो क्या करेगी वो अपने इनपुट्स को भी डबल करेगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो लेबर को डबल करके एट पे ले आएगी और कैपिटल को वन से डबल करके टू पे ले आएगी और यही चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें दो यूनिट्स ऑफ कैपिटल जब यूज़ होते हैं और एट यूनिट्स ऑफ लेबर जब यूज़ होते हैं तो एक पॉइंट बनता है ये हो गया आपके पास सेकंड पॉइंट कि जब नेशन जो है वो डबल रिक्वायर कर रही है आउटपुट किसकी एक्स की तो जैसे आप पहली आउटपुट दूसरी आउटपुट इन दोनों डॉट्स को ओरिजिन से मिला दें तो आपके पास एक रे निकलती है फ्रॉम ओरिजिन, जो ये शो करती है कि उस नेशन की कैपिटल ओवर लेबर रेशो क्या है तो यहाँ पे आप इज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर ये चीज़ें यहाँ पे ना भी लिखी हों सपोज़ तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैपिटल ओवर लेबर रेशो क्या है वन है यहाँ पे क्योंकि फोर डिवाइडेड बाय फोर टू डिवाइडेड बाय टू इज वन सपोज यहां पे नई भी लिखी होती वन डिवाइडेड बाय फोर देन टू डिवाइडेड बाय एट तो आप कैपिटल ओवर लेबर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं नेशन वन के लिए फॉर बोथ कॉमोडिटीज एक्स एंड कॉमोडिटी वाई सेम एप्लीकेशन है फॉर नेशन टू अगर यहां पर आप देखें नेशन टू जो है वाई का अगर उसने एक यूनिट प्रोड्यूस करना है फॉर दैट वो नेशन क्या कर रही है फोर यूनिट कैपिटल यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे लेबर है फोर यूनिट वो कैपिटल के यूज़ करती है और वन यूनिट जो है वो लेबर के यूज़ करती है अब अगर नेशन टू ने अपनी प्रोडक्शन को डबल करना है Y की प्रोडक्शन को तो उसको अपने इनपुट्स भी डबल करने पड़ेंगे तो इनपुट्स जब डबल करती है वन से टू एंड फोर से एट तो आपके पास एक नया पॉइंट मिल जाता है उसको और जब आप इन दो पॉइंट्स को मिलाते हैं अप टू तो सोन अगर उसने मज़ीद तीन गुना करना है सपोज तो यहाँ पे ट्वेल्व और यहाँ पे थ्री आएगी ऐसे लाइन तो आपके पास एक रे बनती चली जाएगी जो शो करेगी आपके पास फैक्टर इंटेंसिटी को कि इस कॉमोडिटी के लिए कौन सा फैक्टर कितना यूज़ हो रहा है और सेम अगर नेशन टू एक्स की प्रोडक्शन करना चाहती है तो उसके लिए अगर सपोज देखें तो आपके पास जो कैपिटल ओवर लेबर रेशो है अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा जस्ट ये नज़र आ रहा है डायग्राम को देख के दैट इज़ वन टू ओवर टू वन फोर ओवर फोर वन अब ये दो रेज जो हैं दोनों नेशंस के लिए एक्स और वाई गुड के लिए कैपिटल ओवर लेबर रेशो को एक्सप्लेन कर रही हैं अब हम ज़रा इसका कंपैरिजन करते हैं कि ये नेशन वन अल्टीमेटली क्या करेगी और नेशन टू क्या करेगी अब इंटरेस्टिंगली देखें यहाँ पे जो स्लोप है वाई कॉमोडिटी के लिए वो ज़्यादा है कैपिटल ओवर लेबर रेशो का किसकी की नस्बत एक्स की नस्बत और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि नेशन टू के लिए भी यही ट्रेंड चल रहा है कि वाई का स्लोप ज्यादा है सपोज ये देखें किसकी नस्बत एक्स के लिए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वाई गुड जो है वो दोनों कंट्रीज के अंदर नेशन वन के अंदर भी और नेशन टू के अंदर भी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है आपको अगर आप कंपैरिज़न करें यहाँ पे भी आपको लग रहा है वाई इज कैपिटल ओवर लेबर जो है इसकी वन इज इस ग्रेटर देन वन बाई फोर हेयर फोर इज़ ग्रेटर दैन वन तो वाई क्या है इधर भी कैपिटल इंटेंसिव है नेशन वन के अंदर भी और नेशन टू के अंदर भी तो यही चीज़ हमने लिखी है इवन दो वाई इज़ कैपिटल इंटेंसिव देन एक्स इन बोथ नेशंस लेकिन यहां पे क्या मसला है यहां पे ये भी चीज़ अगर आप देखें तो कैपिटल ओवर लेबर रेशो जो है वो वाई के लिए वो नेशन टू के अंदर ज़्यादा है नेशन वन के नस्बत यही चीज़ यहाँ पे देखें नेशन टू में ये फोर है जबकि नेशन वन के अंदर दैट इज़ ओनली वन तो आपके पास कैपिटल ओवर लेबर रेशो जो है वो नेशन टू के अंदर ज़्यादा है किसकी निस्बत नस्बत कैपिटल ओवर लेबर रेशो इन नेशन वन अब इसकी रीज़न क्या है कि कैपिटल ओवर लेबर रेशो क्यों ज़्यादा है नेशन टू कैपिटल को ज़्यादा क्यों यूज़ कर रही है और इतना ज़्यादा जो कि नेशन वन से भी ज़्यादा है आल दो हम लोगों ने कंपैरेटिवली बात की थी नेशन वन की एक्स और वाई गुड की लेकिन अब हम कंपैरिज़न कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्रीज़ दो कंट्रीज़ जो हम लोगों ने ली हैं नेशन वन और नेशन टू तो इसकी रीज़न सिर्फ एक ही है कि नेशन टू के अंदर हो सकता है कि आपके पास जो कैपिटल है वो ज़्यादा मौजूद है इसी वजह से जो नेशन टू है वो अपने गुड्स की प्रोडक्शन के अंदर कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रही है ये सिर्फ वाई का केस नहीं है अगर आप एक्स गुड के कंपैरिज़न करें तो वहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि आपके पास कैपिटल ओवर लेबर रेशियो जो है वो नेशन टू के अंदर यहां पे भी ज़्यादा है इन दैट केस चाहे वो एक्स गुड की बात करें और वाई गुड की बात करें तो आपके पास कैपिटल ओवर लेबर रेशो दोनों कमोडिटीज़ के लिए जो नेशन टू के अंदर जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे ये वन जो है वो ग्रेटर देन है वन बाय फोर से और यहाँ पे जब आप बात करें फोर इज़ ग्रेटर देन वन तो इन बोथ केसेस इसकी बात कर लें और इसकी बात कर लें कैपिटल ओवर लेबर रेशो जो है वो ज़्यादा है तो इसकी रीज़न एक ही है कि नेशन टू के अंदर जो है वो फैक्टर सपोज़ यहाँ पे कैपिटल की बात कर रहे हैं कि कैपिटल ज़्यादा मौजूद है या इसे हम ये कह सकते हैं कि नेशन टू जो है वो फैक्टर बंडेंट है और इस वजह से जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है अबंडेंस अब में होती है मकदार में ज़्यादा होती है तो वो हमेशा चीप होना शुरू हो जाती है यही चीज़ यहाँ पे है कि अगर आपके पास सपोज़ कैपिटल की प्राइस कम है नेशन टू के अंदर क्यों कम है क्योंकि वो बंडेंट फैक्टर है ये फैक्टर ऑफ बंडेंस का कॉन्सेप्ट हम इनशाला नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे ये समझना भी ज़रूरी है कि जब कोई फैक्टर अबंडेंट होता है किसी एक नेशन के अंदर उस चीज़ की डिमांड या उस फैक्टर की डिमांड बढ़ जाती है यही केस यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि नेशन टू ने अपने उस अबंडेंट फैक्टर, जिसको हम कैपिटल कह रहे हैं वो अबंडेंट था इस वजह से उसको सस्ता मिल रहा था चीप था तो उसने दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन के अंदर एक्स की प्रोडक्शन के अंदर और वाई की प्रोडक्शन के अंदर आपके कैपिटल के इस्तेमाल को ज़्यादा कर दिया है और अल्टीमेटली होगा क्या कि जब कैपिटल की डिमांड बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ती चली जाएगी ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरीके से फैक्टर प्राइसेस इफेक्ट होती हैं वो इंशाल्लाह आफ्टर हैक्शरोन थेरी के दो पार्ट हैं सेकंड पार्ट बेसिकली इसी फैक्टर प्राइसेस के ऊपर ही है लेकिन अपटिल नाउ आपके पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि कैपिटल ओवर लेबर रेशियो इज मेन थिंग टू डिटर्मिन द फैक्टर इंटेंसिटी बिटवीन टू कंट्रीज कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेबर देन कैपिटल ओवर लेबर रेशियो को आप कहेंगे ज़्यादा इंटेंसिव है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल तो यहाँ तक के लिए इतना ही